व्हाट्सअप, आप लोगों का भाई वसीम अक्रमर। आज के वीडियो में हम लोग खुश आमदीद कहता हूँ। और अभी मैं ट्रैवल के लिए निकला हूँ घर से। तो आज जिस जगह हम जाने वाले हैं बड़ा जुनिया सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। और सबसे पहले हमारा डेस्टिनेशन ये है कि हमने गिलगित सिटी से जाना है मोरखुन, जो कि गुजाल का एक खूबसूरत तरीन गांव है। और मेरे साथ मौजूद हैं इस ब्लॉग में राशिद फिदाई। हेलो, कैसे है वसीम भाई? क्या सीन है भाई, मोरखुन तक कितना टाइम लगेगा? यहाँ से तकरीबन लगभग 3-3.5 घंटे लगेंगे। तो हम अपनी खूबसूरत तरीन कूल मोरखुन में पहुँच जाएंगे। और ये बंदा जो नहीं है मोरखुन का रेजिडेंट है और हम 3.5 घंटे में मोरखुन पहुंच जाएंगे। सही है। अभी हमने जाना है अड्डे में टिकट लेना है। और अभी मैं ये मोहल्ला छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ गिलगित में। और अभी अड्डा जाना है सीधा और उसके बाद KKH से होके मोरखुन। भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हुए हैं और अभी खुंजरा पहुँचे हैं। और यहाँ से अभी हमने जाना है गुजाल और कुछ ही देर में मिलेंगे गुजाल में। बिल्कुल बस 1.5 घंटे के मसाफत रह गए भाई यहाँ से गुजाल तक। इंशाल्लाह में हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँचने वाले हैं कुछ ही लम्हे बाद। तो ये बंदा नहीं है, लोकल गाइड है मेरा। और कल सुबह ईद के दिन हमने जाना है पुंजरा बॉर्डर। अगर वहाँ के लिए जाने हमें देते हैं तो हम लाजमी वहाँ का विज़िट करके फिर वापस आए। बिल्कुल, वरना हमारा जो नहीं है ट्रेवल अधूरा हो गया ना। नहीं, इंशाल्लाह जाएंगे, बस कोशिश भी करके कुछ भी करके जाएंगे। सही है, ओके। गिलगित से हम पहुंच गए मेरे गांव में। तो बस गांव में तो नहीं पहुंचे पर रास्ते में पहुंच चुके हैं। अब हम इसी रूट को लेकर सीधे मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। Hey guys, इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ मोरखुन में। ठीक है, मैं इस वक्त जमालाबाद में हूँ। ये थोड़ा हाइट पे है और आप नीचे ये जो मनाजिर आप देख सकते हैं ये है मोरखुन। और अभी हम थोड़ी देर पहले पहुंच चुके थे जमालाबाद में राशिद फिदाई के घर में। हमने चाय पिया, बहुत ही इंजॉय किया, मस्ती किया हमने। और सो फार KKH से ये कोई 10 से 15 मिनट की दूरी पे ये जगह है। और जहाँ से आप मोरखुन के वैली को सही तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे स्टे करेंगे मोरखुन में और जमालाबाद में राशिद के घर स्टे होगा। और उसके बाद कल सुबह हमने जाना है पुंजरा टॉप, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर तक हम जाएंगे। और देखेंगे कि यार एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को। और आज तक तो बहुत सारे लोग गए हैं, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यार। यू नो आई एम एक्साइटेड। क्या सीन है भैया? हाँ तो भैया हम ऐसा है ना, सीन्स कुछ ऐसे। फिर हम सोच पहुँच गए। ठीक है, अभी आगे हमने टॉप जाना है भाई, कुछ भी करके हमने जाना है। कोशिश करके इंशाल्लाह ऊपर पहुँच जाएंगे। तकरीबन लगभग 3.5 घंटे या 4 घंटे तो लगेंगे। 7 घंटे, ठीक है, लेकिन पहुँच जाएंगे। हम सोस्त में पहुँचे हैं और अभी हमने जाना है आगे पाक चाइना बॉर्डर। और अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे पाक चाइना का जो बॉर्डर है वो दिखाएंगे, KKH जहाँ से गुजरता है वो दिखाएंगे। और अभी हमारे पास CD 70 है और मैं और राशिद अभी सोस्त से निकलेंगे। यहाँ से 3 से 4 घंटे लगेंगे टॉप तक। और 14,500 फीट की बुलंदी है, काफ़ी बाइक के लिए भी मुश्किल होगी, लेकिन हम जाएँगे। भाई ये जो जगह है ये हो गया गोज है, KKH का इलाका है। ठीक है ना, थोड़ी मजाफात में हम कुकसेल पहुँच जाएंगे। ठीक है, कुकसेल के बाद हम चपत तो जाएंगे 0 पॉइंट पे। तो भाई आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में ये धुन में पाक चाइना बॉर्डर है और इस वक्त हम पाकिस्तान के एरिए में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पास का एरिया है, इधर के आगे चाइना का हिस्सा है, ठीक है। इससे इस तरफ जहाँ पे हम हैं ये पाकिस्तान का एरिया है। और इस वक्त यहाँ पे सन्नाटा है, कोई टूरिस्ट यहाँ पे नहीं है क्योंकि टूरिस्ट को आज मना कर दिया है क्योंकि कोविड-19 की वजह से। तो हम यहाँ पे नोटिस लेके पहुँच चुके हैं। तो ये वो एरिया है, सही है, जहाँ से आप चाइना जा सकते हैं। तो मेरा जो ये प्लान था कि यहाँ बॉर्डर तक आ जाऊँ, तो मेरा जो डेस्टिनेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाऊं यार, बॉर्डर दिखा सकता हूँ। और मैं नहीं, हाँ, हमें पुलिस वाले ने बताया कि इस पट्टी से आगे हमने नहीं जाना है। तो इस पट्टी तक हम आए हैं, इससे आगे का हमारे पास कोई पास नहीं है, वरना हम जा भी सकते हैं। अगली दफ़ा इंशाल्लाह अगर हम आएंगे तो पास लेके आएंगे, चाइना तक खुरकान तक हम जाके आएंगे इंशाल्लाह। और ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था, इधर पहुँच चुके हैं। और अब हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को ये ट्रेवल वीडियो पसंद आ जाए तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।